बरेली से आंवला बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप के कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पूर्व प्रधान के बेटे और साथियों ने सांसद धर्मेंद्र कश्यप से नाराज होकर सफाई के मुद्दे पर कई सवाल खड़े कर दिए, जिससे सांसद नाराज हो गए। इसी दौरान भीड़ में किसी ने शिकायतकर्ता को थप्पड़ भी मार दिया। इससे नाराज होकर दर्जनों ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप अपने समर्थकों के साथ ब्लॉक मझगवां के गांव आनंदपुर पहुंचे थे। कार्यक्रम में पहले से ही ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा थी। गांव में विकास कार्य और सफाई ना होने का मुद्दा सांसद के सामने उठाया गया। सांसद ने पूछा कि कौन सा विकास कार्य नहीं हुआ। इस दौरान कुछ लोग झगड़ते हुए सांसद के मंच तक पहुंच गए, जिसके बाद सांसद ने भी नाराजगी जताई। बता दें, सांसद धर्मेंद्र कश्यप ब्लॉक मझगवां के गांव आनंदपुर में पहुंचने पर ग्राम प्रधान पति ने पंचायत कार्यालय पर स्वागत किया। इसी दौरान पूर्व प्रधान पक्ष के कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने गांव में विकास ना होने की शिकायत की और स्वयं को बजरंग दल का पदाधिकारी बताकर नाराज हो गए। सांसद की गाड़ी का घेराव कर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। भाजपा कार्यकर्ताओं से नोकझोंक भी हुई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद सांसद समर्थकों ने पुलिस को फोन भी कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर वह लोग मौके से भाग गए। सांसद के मीडिया प्रभारी राहुल कश्यप ने बताया कि सांसद आनंदपुर गांव में पंचायत घर में सभा को संबोधित कर रहे थे। विकास कार्यों की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे। इस दौरान गांव के ही पूर्व प्रधान के बेटों ने हंगामा शुरू कर दिया। पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच सांसद ने समझौता भी करा दिया। थप्पड़ मारने वाली बात बिल्कुल ही गलत है।